चरण से जुड़े मतदाताओं से ये जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेकर होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है, आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है पांचवें चरण का, अभी दो चरण और बचे हुए हैं तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा। ये जो भाजपा 400 का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो भाजपा 400 का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है।